नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनू उत्तराखंडी चैनल ब्लॉग से। मीन और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। ये है पुराना घर और यहाँ पे देखिए ये वाले दरवाजे होते हैं, बहुत ही मजबूत पहले के। यहाँ अंदर है एक रूम और यहाँ भी है एक रूम। पानी में बर्तन धो रही है और देखो इसकी आफत आ रही है आफत। और ये मेरी दीदी मार रही है झाड़ू आंगन में और यहाँ बन रहा है खाना और यहाँ बन रही है रोटियाँ गरम गरम, कहीं कटिंग हो रही है, सब लगे हैं भाई अपने अपने और बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। से धूप खिल चुकी है और हमारा हो चुका है नाश्ता। और बच्चों क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बैठ रखे हैं। चले मटर तोड़ने के लिए खेत में। चलो चलो ठीक है, चलो हमें खेतों में लेके चलो। ठीक है, दिखाओ अपने खेत, फिर हम सब्जी लेके जाएंगे। ठीक है चले फिर। चलो ये अभी छोटा छोटा धनिया लगा हुआ है और ये लगी हुई है पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी के फूल बिल्कुल टाइट हो चुके हैं और ये भी लेके जाएंगे हम। देखिए पत्ता गोभी, चलते हैं खेतों में मटर तोड़ने के लिए। और ये सारे खेत हैं, यहाँ कुछ ना कुछ लगा रखा है आजकल। ये बीन्स के पौधे अभी छोटे छोटे हैं बीन्स। और ये राई है और ये सारे नीचे खेत हैं, खेतों में लोग काम कर रहे हैं अपने अपने खेतों में। देखिए सब सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, कोई मटर तोड़ रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है। और इधर देखिए आलू, ये है आलू। आलू में के बहुत ही स्वादिष्ट आलू होते हैं यहाँ के। ये पुरेड़ा है, पुरेड़ा इसको घास इकट्ठा कर रखा है। हम भी जा रहे हैं मटर के खेतों में मटर तोड़ने के लिए। बच्चे भी आ रहे हैं पीछे पीछे।
गांव में थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उन सबको तो चलने की आदत होती है। देखिए हमारे बच्चे तो गिरने का भी डर है, हमारे बच्चे तो चले गए आगे। मटर और जीजा जी भी तोड़ रहे हैं मटर। इस बार हमारे मटर की खेती खराब हो गई है। क्यों? अरे ये भारी बारिश के कारण, ये देखो मटर के ऊपर ऊपर के टुकु सही है, नीचे से सारे पेड़ खत्म हो गए हैं। ये वाला नीचे वाला खेत तो पूरा खत्म हो गया, जम के उसका मटर का पेड़ों का पता ही नहीं चला कि कैसे। ओहो, तो बहुत नुकसान हो जाता होगा। जब मेहनत करते हैं और ज़्यादा बारिश आ जाती है तो बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं और बारिश जब ज़्यादा आ जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। ये है मटर का खेत। अच्छा, बस ये बारिश ने खराब कर दिया। बारिश के कारण। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग तो आए हैं बड़ी दूर से, देहरादून से। हाँ जी। क्या होता है? देख लिया, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, तो जितनी आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको कितना फल मिल जाता है, मतलब कितनी हो जाती है आपके इनकम? होती है इनकम, हमारा 20 का पैसा ही नहीं उड़ता, पर क्या करें, हमारा रोजगार ही यही है। अच्छा जी, करना तो पड़ेगा ही। हाँ सही बात है, हार नहीं मानते, हम बोलते इस बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, हार नहीं माननी चाहिए। हमारा चारा यही है ना। अच्छा, हमें तो करना ही पड़ता है। सही बात है। हाँ जी, रोजी रोटी यही है। हाँ, रोजी रोटी का साधन यही है, अपना गुजारा इसी में करते हैं सब, खेती बाड़ी करके। हाँ जी, हाँ जी। इस बार तो हमारा बीज का पैसा भी नहीं उठ रहा है, हैं? लेकिन भाई क्या करे, वो तो अगले साल हो जाएगा। और क्या, अगले साल हो जाएगा। आप हिम्मत रखो, अपनी मेहनत बरकरार रखो, हिम्मत ना हारे। सही बात है। अरे और यहाँ पे जानवर भी काफी आते हैं। सबसे पहले हमें इन जानवरों ने परेशान कर दिया। हाँ, जंगली बंदर है ना। हाँ जी, इन्होंने हमको बहुत परेशान कर दिया। हम सुबह उठ के हम इन बंदरों का मुंह देखते हैं, 5 बजे ये बंदर खेत में आ जाते हैं, तो ये सारी फसल बंदर खराब कर देते हैं, खा जाते हैं। हाँ जी, नुकसान ज्यादा है, ज्यादा है। रात को वो आते हैं सुअर और वो। अच्छा, जंगली सुअर भी बहुत ज्यादा है। सुअर क्या बोलते हैं उसको, जंगली सोला आता है। अच्छा जी। हाँ, मटर में पेड़ तो बड़े बड़े हैं, फलियाँ बहुत कम है। अरे वाला खेत तो बिल्कुल ही खत्म है वहाँ तक। अच्छा, नीचे। तो आपने देखा ही होगा कि पहाड़ों में जीवन कितना टफ होता है, और जो यहाँ के लोग होते हैं वो कितने मेहनती होते हैं, वो सुबह से लेके रात तक खेतों में लगे रहते हैं और इसी से ही इनका गुजर बसर होता है और इनका जीवन यापन होता है। लेकिन कभी बारिश और जानवरों के कारण इनकी फसलें बर्बाद होती हैं, तो इनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपने देख ही लिया होगा।